हेलो मॉमीज, मैं हूं अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज वर्ल्ड। आई नो आई एम वेरी लेट फॉर दिस वीडियो बिकॉज सर्दी ऑलमोस्ट जाने वाली है, बट फिर भी जो आने वाली सर्दी होती है एंड जो जाने वाली सर्दी होती है, आई मीन जो वेदर चेंज होता है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं बिकॉज उनकी प्रॉपर केयर नहीं होती या हम मदर्स को नहीं पता होता है कि उस वेदर चेंजेस में किस तरह से बच्चों की केयर करें जिससे वो बीमार ना पड़े। इसलिए मैंने सोचा अभी भी बहुत लेट नहीं हूँ, मैं एक क्विक वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत सारे फनी मोमेंट्स, बहुत सारी फनी वीडियो, बहुत सारी ट्रांजिशन वीडियो जो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मॉमीज, मैं 6 ऐसे टिप्स आपको देने वाली हूँ जो बच्चों की आने वाली और जाने वाली सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आपका बच्चा अगर 1 से 2 साल का टॉडलर है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इन 6 स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा थी और इनफैक्ट मैंने ट्रैवल भी किया है, मैंने स्नो में भी ट्रैवल किया है, आउट स्टेशन ट्रैवल किया है समायरा के साथ। तो मैंने कौन सी टिप्स यूज़ करी हैं जिससे मैं उसको सर्दी, जुकाम, फीवर इन सारी चीज़ों से बचा पाई हूँ इस विंटर में कम्प्लीटली, बिकॉज लास्ट ईयर वो बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी विंटर्स में। तो मैंने इस बार उसको कम्प्लीटली सेव किया है इन ट्रिक्स से। तो आप ज़रूर इन टिप्स को अपने बेबीज के साथ ट्राई कर सकते हैं, अभी भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अभी भी वेदर चेंज हो रहा है और इस वेदर चेंज में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहले समायरा का डे स्टार्ट होता है लेमन वाटर से। वो सो के उठते ही, बिकॉज उसके अब हैबिट में आ चुका है, तो वो सो के उठते ही सबसे पहले मांगती है लेमन वाटर। तो उसको मैं वार्म वाटर में, लीप वार्म वाटर में कुछ ड्रॉप्स लेमन की डालती हूँ और वो उसका फर्स्ट स्टार्ट होता है मॉर्निंग में लेमन वाटर के साथ। उसके बाद वो फ्रेश होती है, ब्रश करती है एंड देन उसका जो फर्स्ट ब्रेकफास्ट है वो उसको मिलता है। सेकेंड टिप है घी। घी आपको ज़रूर इंक्लूड करना है अपने बच्चों के फूड में। घी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और बच्चों के मामले में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है इसमें फैट है या इससे कोलेस्ट्रॉल होगा, इससे होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चों को आप प्रॉपर घी दे सकते हैं, इनफैक्ट एडल्ट्स के लिए भी आपको 2 स्पून घी एक दिन में लेना चाहिए और बच्चों के केस में भी 1 फुल स्पून घी आप उसके फुल डे के मील में इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे आप उसकी दाल में, खिचड़ी में ऊपर से डाल सकते हैं या उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं घी में। तो घी बच्चों के लिए जरूर इंक्लूड करिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी ऑयल्स आप बिल्कुल यूज ना करें, बट बाकी ऑयल्स भी उतनी ही जरूरी हैं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बट घी ऐसी चीज है जो आपको विंटर में जरूर इंक्लूड करनी है, एटलीस्ट एक बिग स्पून घी उसके फुल डे मील में इंक्लूड करनी चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, गुड। गुड समायरा को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट है इस विंटर सीजन में। तो मैंने गुड़ से उसके लड्डू भी बनाए हुए हैं और उसकी कुछ ना कुछ उसके लाइक मुरमुरे वाले लड्डू भी बनाए हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स लड्डू भी बनाए हुए हैं, वो उसको पसंद आते हैं। एंड वो सिंपल गुड़ भी खाना पसंद करती है। तो हर मील के बाद अगर हम भी गुड़ अपने फूड में इंक्लूड करते हैं तो गुड़ में बहुत आयरन होता है, बहुत हेल्दी होता है गुड़। एंड आप रिफाइंड शुगर को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं गुड़ से, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ समायरा के लिए भी, अपने लिए भी। तो समायरा का गुड़ इतना पसंद है कि मैं उसको हर मील के बाद थोड़ा सा गुड़ ज़रूर देती हूँ। एंड अगर उसका कभी भी मन कर गया तो मैं गुड़ देती हूँ या फिर गुड़ की कई चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, लाइक पट्टी बना सकते हैं, गुड़ के लड्डू बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट वाली जो पट्टी बनती है वो बना सकते हैं, मुरमुरे वाले लड्डू बना सकते हैं गुड़ मिला के। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आप गुड़ की रेसिपीज बनाने के। इनफैक्ट मैं समायरा की खीर बनाती हूँ, हलवा बनाती हूँ, या विंटर में जो गाजर का हलवा बनाते हैं वो मैं सिर्फ गुड़ में बनाती हूँ, वो भी हम बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप गुड़ की रेसिपीज बना सकते हैं, या आप कुछ भी नहीं बनाते हो तो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का जरूर दीजिए अपने बच्चों के लिए। इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, विंटर से बचा सकते हैं, कोल्ड कफ से बचा सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, गुड़ में आयरन होता है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फोर्थ थिंग आती है ड्राई फ्रूट्स। यस, ड्राई फ्रूट्स तो आप किसी भी वेदर में ले सकते हैं। आप समर्स में भी सोक्ड आमंड्स या सोक्ड वॉलनट्स लेते हैं, बट अगर विंटर है तो आप सोक्ड भी ले सकते हैं एंड विदाउट सोक भी ले सकते हैं। बट आपको ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करना बहुत मस्ट है अगर आपका बेबी 1 से 2 साल के बीच में है, बिकॉज उसको हेल्दी फूड की हैबिट डालने की ये सही एज होती है। अगर 2 साल के बाद आप ट्राई करते हैं, हो सकता है बच्चे को पसंद ही ना आए, बच्चे को इंटरेस्ट ना हो उन चीज़ों में। तो 1 से 2 साल की एकदम परफेक्ट एज होती है कि आप ड्राई फ्रूट्स या इस तरह की जो हेल्दी चीज़ें हैं वो अपने बच्चे के फूड में इंक्लूड करा सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
आई नो हम सभी ने अपनी चाइल्डहुड में, लाइक मैंने तो अपनी चाइल्डहुड में बहुत सारा च्यवनप्राश खाया है। मेरी मम्मी डेली एक स्पून च्यवनप्राश मुझे देती थी, जो मुझे आज भी बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने समायरा के विंटर रूटीन में उसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था। तो समायरा के, तो मैं जब भी कोई चीज़ देती हूँ बच्चों के लिए, कोई नई चीज़ स्टार्ट करती हूँ, उस पर प्रॉपर रिसर्च करती हूँ। आप भी बच्चों के लिए कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्लाइंडली फॉलो मत करिए किसी को, अपनी भी रिसर्च करिए। मैं कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करती हूँ उस पर प्रॉपर रिसर्च करती हूँ, उसका सही टाइम क्या होता है, पेट देना चाहिए या मिल के बाद देना चाहिए, मिल के पहले देना चाहिए, खाने के बाद देना चाहिए, इस तरह की पूरी रिसर्च करती हूँ। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए। तो आप भी इस तरह की अपनी तरफ से रिसर्च किया करिए, तब बच्चों को दिया चलिए दिया करिए, बिकॉज उसको कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए या उसको एलर्जी ना हो जाए, बस इस वजह से। तो च्यवनप्राश देने का, जितना मैंने रिसर्च करी, जितना मैंने स्टडी किया है, च्यवनप्राश देने का राइट टाइम होता है 1 स्पून मॉर्निंग में एंड 1 स्पून इवनिंग में। बच्चों के केस में हाफ स्पून कर सकते हैं मॉर्निंग में एंड हाफ स्पून इवनिंग में कर सकते हैं, बट एडल्ट के केस में आप 1 फुल स्पून इन द मॉर्निंग एंड 1 फुल स्पून इन द इवनिंग। तो समायरा को हाफ स्पून मैं मॉर्निंग में देती हूँ, हाफ स्पून च्यवनप्राश इवनिंग में देती हूँ। एंड च्यवनप्राश देने का राइट टाइम होता है खाली पेट, या तो आप मॉर्निंग में खाली पेट दीजिए या फिर मिल के ठीक पहले दीजिए। तो समायरा को मैं फिक्स है मॉर्निंग में, उसको जब लेमन वाटर ले लेती है उसके बाद मैं उसको हाफ टेबल स्पून च्यवनप्राश उसके रूटीन में इंक्लूड करती हूँ। एंड नाइट में सोने के ठीक पहले उसको हाफ टेबल स्पून च्यवनप्राश फिर से देती हूँ एंड उसके बाद मिल्क देती हूँ। तो ये बिल्कुल राइट रूटीन है, आप अभी भी फॉलो कर सकते हैं, मार्च तक आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं कि मॉर्निंग में सबसे पहले उसको लेमन वाटर दीजिए, उसके बाद च्यवनप्राश दीजिए, उसके बाद आप उसको ब्रेकफास्ट दीजिए। एंड नाइट टाइम पे आप हाफ टेबल स्पून च्यवनप्राश दीजिए, उसके बाद 10 मिनट्स का 15 मिनट्स के गैप के बाद आप मिल्क दे सकते हैं जस्ट बिफोर स्लीप। अगर आप कभी भी च्यवनप्राश डायरेक्ट खाना नहीं पसंद करता है तो यू कैन मिक्स इट इन द मिल्क ऑल्सो। इस तरह से आप मिल्क में डिजोल्व करके उसको मिल्क के साथ दे सकते हैं, इसका भी उतना ही बेनिफिट होता है जितना आप अलग से दे रहे हैं। इंक्लूड टर्मरिक मिल्क इन योर बेबी स्टूडेंट। टर्मरिक के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, बहुत बेनिफिट होता है। बहुत सारे लोग जो पाउडर टर्मरिक होता है, लाइक जो हम मसाले के रूप में यूज करते हैं, जो हम अपने घर में मसालदानी में रखते हैं, सब्जियों में या जो भी चीजें बनाते हैं उसमें पाउडर फॉर्म में ऐड करते हैं, बट अगर आप विंटर सीजन में टर्मरिक मिल्क दे रहे हैं तो आप जो गीली हल्दी होती है, जो कद्दूकस करके आप यूज करते हैं, वो इंक्लूड करिए अपने फूड में भी। और स्पेशली अगर आप मिल्क में डाल रहे हैं तो आप वही यूज करिए, वो जो टर्मरिक होता है वो बहुत बेस्ट होता है, वो प्योर फॉर्म होता है। तो टर्मरिक मिल्क अगर आप बना रहे हैं तो वो क्रश करके ही, जो गीली हल्दी आती है उसको ही यूज करिए। एंड टर्मरिक मिल्क आप बेबी के केस में नाइट में ही इंक्लूड करिए, पूरे दिन में टर्मरिक मिल्क देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बहुत गर्म होती है, तो इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं देना होता है बिकॉज आप ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो टर्मरिक मिल्क के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, जॉइंट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है, स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है, हेयर के लिए बहुत हेल्दी होता है, एंड खांसी जुकाम बुखार ये सारी चीज़ों से आप कंप्लीटली बचा सकते हैं अपने बच्चे को। तो किस तरह से टर्मरिक मिल्क मैं बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी टर्मरिक मिल्क बनाने की, आप कौन सी रेसिपी यूज करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सो दैट मुझे भी कुछ नया पता चले और मैं वो बच्चों के रूटीन में फॉलो कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें हैं जो भी अभी मैंने बताई, वेदर इज च्यवनप्राश, ड्राई फ्रूट्स, टर्मरिक मिल्क एंड घी, गुड़, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं अगर मैं बाहर भी ट्रैवल करती हूँ, लाइक अभी रिसेंटली मैंने गुलमर्ग जब ट्रैवल किया था तो ये सारी चीज़ें मैं पैक करके समायरा के लिए ले गई थी उसको, सो दैट मुझे बहुत डर था कि उसको ठंड ना लग जाए, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा था एंड -10 का टेम्परेचर था। तो उस -10 के टेम्परेचर में भी समायरा किस तरह से इंजॉय कर रही थी और वो किसी भी तरह से बीमार नहीं पड़ी। और एक पेरेंट्स के लिए इससे अच्छी क्या बात होती है कि आपके बच्चे हेल्दी हैं और वो बीमार नहीं पड़ते हैं,
स्पेशली विंटर सीजन में। तो आप इन टिप्स को जरूर यूज करिए और अगला वीडियो जरूर देखिए। मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि किस तरह से मैंने गुलमर्ग में हैवी स्नोफॉल में समायरा के साथ ट्रैवल किया, क्या क्या स्टेप्स लिए, किस तरह से पैकिंग करी और आपको क्या क्या पैक करना चाहिए। बिकॉज अभी भी फेब एंड मार्च में बहुत लोग स्नोफॉल के लिए ट्रैवल करते हैं कश्मीर में या फिर मनाली में, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ लोग स्नोफॉल के टाइम पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी अपने टॉडलर के साथ या इन्फेंट के साथ ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पीक विंटर में स्नोफॉल के टाइम पे, स्नो के टाइम पे आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।